प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तकनीकी विकास का युद्ध कला पर प्रभाव। ठीक है बच्चों, BA पार्ट वन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित रक्षा एवं स्ट्रेटजिक स्टडीज सब्जेक्ट या मिलिट्री साइंस BA फर्स्ट ईयर प्रथम नहीं सॉरी सेकेंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित ये हमारा क्लास तकनीकी विकास का युद्ध कला पर प्रभाव। चलिए बच्चों, हम बगैर देर किए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर है मुख्य रूप से वो यही है, तकनीकी विकास का युद्ध कला पर प्रभाव, अर्थात तकनीकी विकास ने या युद्ध टेक्नोलॉजी ने हमारी युद्ध कला को किस प्रकार प्रभावित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, तकनीकी विकास ने विकास एवं विनाश दोनों ही आयाम प्रस्तुत किए हैं बच्चों। जिस प्रकार एक मानव जीवन को ऊंचा उठाया है, मानव स्तर को ऊंचा उठाया है, उसी तरह अर्थात मानव जीवन में विकास की मानव जीवन को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाया है और उसी स्थान पर विज्ञान ने ही विनाश विनाश का मतलब होता है ऐसे ऐसे भयानक हथियारों का निर्माण किया है जिससे जो है महाविनाशक हथियार जो कि तबाही फैला सकते हैं आज के समय में। ठीक है बच्चों, यानी मानव जीवन के स्तर को ऊंचा भी उठाया है और मानव जीवन को मटिया मेट करने के लिए, मानव जीवन को समाप्त करने के लिए भयानक सैन्य उपकरणों का भी निर्माण किया है, भयानक विनाशक हथियारों का भी निर्माण किया है। ठीक, चलिए अब इसमें हम तकनीकी विकास के चरणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, तकनीकी विकास का जो प्रथम चरण है, तकनीकी विकास के प्रथम चरण का प्रारंभ होता है बारूद युग से। वैसे बारूद युग में हमने बच्चों आपको बताया था युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ बारूद युग से ही प्रारंभ हुआ, परिणाम अग्नेय अस्त्रों का निर्माण। अब इसमें प्रथम स्थान जो है वो है मस्केट का आविष्कार, मस्केट का निर्माण। मस्केट क्या है बच्चों? मस्केट केवल एक हैंड गन है या एक जो है बारूद फेंकने वाली गन है जिसे कई राष्ट्रों में अलग अलग राष्ट्रों ने निर्माण किया और अलग अलग इसका नाम रखा है। जो इस मस्केट नाम है ये स्पेन का नाम है, स्पेन ने इसका नाम दिया है मस्केट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हैंड गन या दस्ती बंदूक का निर्माण हुआ जर्मनी में 1364 में। ठीक है, 1364 में हैंड गन के प्रकार, इसके प्रकार कई रूप में हैं क्योंकि विभिन्न स्थितियों में इसमें परिवर्तन करके इसके विस्फोट होने, इसके फायर की दफा में, इसके फायर होने की प्रक्रिया में परिवर्तन करके इसे विभिन्न प्रकार से इसे विकसित किया गया। जैसे मैच लॉक मस्केट, अब इस बंदूक में फायर है तो बत्ती द्वारा चिंगारी लगाना पड़ता था, बत्ती द्वारा चिंगारी लगाना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने कभी नाटक में देखा होगा, एक जो है मफाल द्वारा तोपों को फायर करने के लिए मफाल फेल आग लगाना पड़ता था, तो ऐसे ही प्रारंभ में जब दस्ती बंदूक या हैंड गन का आविष्कार हुआ तो इसमें एक बत्ती वाली व्यवस्था है जो कि बत्ती द्वारा जो है उसमें टच होता था तो बारूद जो है जलकर आगे की ओर निकलता था। दूसरा है व्हील लॉक मस्केट, 1520 में फायर हेतु आग उत्पन्न करने के लिए पाइराइट का प्रयोग किया गया और इस पाइराइट के घूमने से ही आग उत्पन्न होता था। बच्चों जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने में एक लाइटर चलता था उसमें ऐसे घिर घिर करके उसमें घिरनी टाइप की लगी होती थी और उसमें पेट्रोल भरा होता था, तो उसी घिरनी पे जब वो चिंगारी निकलती थी तो वही आग पकड़कर उस पेट्रोल की बत्ती में आग लग जाती थी, तो वही हमारा लाइटर होता था। और इस समय भी देखा जाए तो ऐसे वही एक घिरनी नुमा जो है पाइराइट जो है वो घूम कर वो जो है आग को, आग की चिंगारी उत्पन्न करके बारूद को विस्फोटित करता था, उसे बोलते हैं व्हील लॉक मस्केट। अब आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, मैच लॉक मस्केट में
बत्ती लगाना पड़ता था और व्हील लॉक मस्केट में पाइराइट का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, जर्मनी ने सर्वप्रथम हैंडगन का निर्माण किया 1364 ईस्वी में और 1520 में व्हील लॉक मस्केट का निर्माण किया गया। किस प्रक्रिया में बदलाव करके? चिंगारी के लिए पाइराइट का प्रयोग करके। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, ये है फ्लिंट लॉक मस्केट। 1635 में पाइराइट के स्थान पर एक चमकदार पत्थर का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि पाइराइट पत्थर जो है वो जल्दी घिस जाता था, टिकाऊ कम होता था। अब ये चमकदार जो पत्थर है ये उसकी तुलना में ये टिकाऊ ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब विभिन्न राष्ट्रों में इस मस्केट के विभिन्न नाम हैं या हैंडगन के विभिन्न नाम हैं। जैसे स्पेन में इसे मस्केट के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक ये चार जो राष्ट्र हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि स्पेन की मस्केट किस देश का नाम है। ठीक है, या मस्केट जो है हैंडगन को मस्केट के रूप में किस देश में जाना जाता है? तो बच्चों वो है स्पेन, अर्थात स्पेन में मस्केट के नाम से, फ्रांस में आर्क्यूबस के नाम से, इंग्लैंड में कैलीवर के नाम से, जर्मनी में हाइकनबुफ के नाम से हैंडगन या मस्केट को जाना जाता है, जाना जाता था, ये प्रारंभिक नाम था। आज तो बड़ी बड़ी राइफलें बन गई है। ठीक है, अब मस्केट की जो प्रारंभिक लंबाई होती थी 6 फीट होती थी, बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, और मारक क्षमता कितनी होती थी 100 गज, अत्यंत महत्वपूर्ण, ये दोनों ही प्रश्न हैं। यहाँ से यहाँ तक लगभग ये सभी महत्वपूर्ण, हालांकि हमने ये कहा है आपसे कि हमारा हर पॉइंट, हर लाइन, हर वर्ड महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो है इस परीक्षा पीरियड में, कैसी परीक्षा? ऑब्जेक्टिव परीक्षा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या कॉलेज एवं महाविद्यालय एवं उससे संबद्ध कॉलेजों के लिए। और इसके अतिरिक्त मजर लोडिंग राइफल, ब्रिज लोडिंग राइफल, डायनामाइट, गाटलिन गन, मित्रेल गन, मैगजीनों का आविष्कार आदि प्रमुख बारूद युग के ही निर्मित उपकरण थे। बच्चों हमने इसको, आप पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मजर लोडिंग, ब्रिज लोडिंग, डायनामाइट, गाटलिन गन, मित्रेल गन एवं मैगजीनों का आविष्कार, ये सब बच्चों हम लोग पहले भी पहले इसको एक बार हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। चलिए, इसमें जो प्रथम स्थान था बारूद युग के प्रथम चरण में, प्रथम स्थान था बच्चों देख लीजिए, प्रथम स्थान है मस्केट का आविष्कार या मस्केट का निर्माण, और उसमें द्वितीय स्थान है फंगीन का आविष्कार। फंगीनों के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, वही मस्केट के ऊपर लगी 1 फीट लंबी या 12 इंच लंबी चाकू, जिसका प्रयोग भाले के रूप में भी किया जा सकता था। ठीक है, चूँकि मस्केट को भरने में समय लगता था, इसलिए सामने से शत्रु आक्रमण न कर दे, इससे बचने के लिए बगल में एक जो है भालेधारी सैनिक खड़ा होता था। अब फंगीन का प्रयोग होने से भालेधारी सैनिक का वहाँ खड़े होना और खड़े होने की आवश्यकता जो है समाप्त हो गई। अब भालाधारी वो क्या बोलते हैं, अब बंदूकधारी सैनिक स्वयं बंदूकधारी भी था, स्वयं फंगीन के प्रयोग से वो अपने आप को भालाधारी भी समझने लगा था। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मस्केट से फायर करने के बाद पुनः लोड करने में समय लगता था, सही बात है। बीच के समयांतराल में शत्रु के आक्रमण का खतरा रहता था, ये भी सही है। और खतरे को मद्देनजर रखते हुए बगल में भालाधारी सैनिक को खड़ा किया जाता था, ये भी सही है। मस्केट को भाले के रूप में प्रयोग करना फंगीन के द्वारा ही संभव हुआ। अब फंगीन के प्रयोग से फायर एवं प्रघात यानी बारूद भी उगलना और भाले के रूप में प्रयोग करना दोनों ही एक सैनिक के लिए संभव हुआ, और अलग धारी से भालाधारी सैनिक की उपयोगिता समाप्त हो गई। फंगीन क्या है बच्चों, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं सब, इसके बारे में भी। यह 1 फुट या 12 इंच लंबी एक चाकू होती है जो मस्केट के नली के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो है फ्रांस के बयोने नगर में हुआ था 1645 में।
इसका इसीलिए बायोने नगर के नाम से मिलता जुलता इसका नाम अंत है बायोनेट। आज भी सेना में इसे बायोनेट के नाम से जाना जाता है। बायोनेट क्या बल्कि बिगड़ते उसको बायनेट भी कहते हैं, ठीक है, बायनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब बायोनेट या संगीन का प्रयोग हुआ तो प्रारंभ में दोनों कार्य फायर एवं प्रघात एक साथ संभव नहीं था, क्योंकि जब एक बार भाले को उसमें लगा लेते थे तो उसे फायर हम नहीं कर सकते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी में आधुनिक संगीन, जो छल्लेदार संगीन जिसे कहा जाता है, जिसमें चूड़ी काट कर उसे कफा जाता था, तो उसके आने से दोनों कार्य एक साथ संभव हुआ। चाहिए आप गोली मार दीजिए, चाहिए आप चाकू से मार दीजिए, दोनों एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। और तकनीकी विकास के प्रथम चरण में जो तीसरा स्थान है वो है तोपों का विकास। इसमें प्रारंभिक तोपें ये भारी एवं वजनदार होती थी और तोपों में बारूद का प्रयोग होता था। आज जो है तोपों में गोला भरा जाता है। इसके बारूद के साथ साथ लोहे के एवं पत्थर के टुकड़े भी भरे जाते थे, जो कि फायर के साथ जो है शत्रुओं पर फेंके जाते थे। बच्चों इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक। सर्वप्रथम, तोप के गोले ढाले गए किस प्रकार, शीशे या कांच के, ठीक है, और लोहे के गोले को किसने ढलवाया, चार्ल्स अफ्टम ने, जो कि फ्रांस का था। बच्चों कई प्रश्न इसमें से पूछे जा चुके हैं, या हम कहते हैं कि लगभग इसमें से हर प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए हम लाके लेके आए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अब देखिए 1463 में फ्रांस में विस्फोटक गोले का निर्माण किया गया और 1470 में तोपों को ले जाने वाली गाड़ियों का निर्माण किया गया। वही जो दो पहिए उसमें लगे होते थे, बच्चों आप लोगों ने टेलीविज़न वगैरह में देखा होगा, दो पहियों के ऊपर तोपों को खड़ा किया जाता था। और एक चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का प्रथम तोपची था सुल्तान मोहम्मद द्वितीय, जो कि कहाँ का था, टर्की का। और घेरा डालने वाली तोपों का निर्माण किसने कराया, चार्ल्स अफ्टम ने, गुस्तावफ एडोल्फफ ने। तोपों को हल्का करके रणक्षेत्रीय तोपखाने का निर्माण कराया। बच्चों पहले भी हम पढ़ा चुके हैं रणक्षेत्रीय या मैदानी तोपखाने का जनक गुस्तावफ एडोल्फफ को ही कहा जाता है। अफ तोपखाना यानी घोड़े पे घोड़ों पे लाद कर तोपों का प्रयोग करना, अफ तोपखाना तथा हाबितजर तोपखाना, इसके निर्माता थे फ्रेडरिक महान। वही फ्रेडरिक महान जो अगर वो राजा ना होता तो उसको जो है एक सेना के नेतृत्व का मौका नहीं मिलता, धूर्त कपटी विश्वासघाती, वही फ्रेडरिक महान जिसके बारे में बच्चों एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तकनीकी विकास के द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है भाप युग से। बच्चों ध्यान रहे, भाप युग ये तकनीकी विकास का ही एक चरण है, भाप युग से प्रारंभ होता है। और भाप युग के बाद से औद्योगिक क्रांति का ही प्रारंभ हुआ इंजन के आने से, बच्चों ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और भाप युग के बाद जो प्रारंभ होता है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, इसे यांत्रिक युग या कल कारखाने का युग कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रभाव क्या हुआ भाप युग से, युद्ध नीति गतिशीलता का प्रारंभ, युद्धनीतिक होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, युद्धनीतिक गतिशीलता का प्रारंभ। और इसमें यातायात सरल एवं सेना के आकार में वृद्धि, सेनाएं बड़ी बड़ी हो गई, जैसा कि आप लोगों का सशस्त्र राष्ट्र राज्य में नेपोलियन ने सेनाओं को बड़ा कर दिया था, संपूर्ण राष्ट्र को ही उसने सेना में बदल दिया था, सैन्य कार्य में सबकी जो है सबके कार्यों को निश्चित कर दिया था। रेलवे एवं भाप चालित जलयानों का निर्माण किया गया। सेनाएँ अब उद्योगों पर ही आधारित हो गई, अर्थात सेनाओं की सारी आवश्यकता की चीज़ें हमारे जो है उद्योगों में जो है निर्मित किए जाने लगे हैं, हथियार, गोला बारूद, बूट, जूते, वर्दी, सब कुछ, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी सबका कार्य, औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी तो उद्योगों में ही सब निर्मित किया जाने लगा। और समग्र सशस्त्राफ्ट राज्य का जन्म, जो कि नेपोलियन ने किया था, बच्चों सबको पढ़ा चुके हैं हम, आवश्यकता से अधिक उत्पादन और व्यापारिक पद्धति को बढ़ावा, सब लोग बच्चे आप लोग पढ़ चुके हैं। और
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर तृतीय चरण, तकनीकी विकास का तृतीय चरण प्रारंभ होता है तेल युग से। भाप युग के बाद बच्चों आता है तेल युग। तेल की खोज अभी आज ही अभी जो है आपको अभी थोड़ी इसके पहले वाली क्या बोलते हैं इसके पहले वाले भाग में हमने आपको बताया है 1859 में अमेरिकी नागरिक एडविन एल्डिक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई। जबकि शुद्ध पेट्रोल तो उसको जो है शोधित करके उसको निकाला जाता है, लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी खोज एडविन एल्डिक ने किया था। इसके पहले जो है कोयले से तेल निकालने का कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन कोयले से जो तेल निकाला जाता था उसकी मात्रा बहुत कम होती थी, जिसके कारण विस्तृत पैमाने पर या बृहद पैमाने पर इनका प्रयोग करना संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखा जाए तो तेल युग के आने से भाप युग के मुकाबले गतिशीलता में वृद्धि हो गई। ठीक है, भाप युग के मुकाबले गतिशीलता में वृद्धि, उसे भी आप लोग देखते होंगे भाप के इंजन और तेल के इंजन में अंतर होता है, और तेलों में भी एक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कमजोर लेकिन पेट्रोल इंजन उससे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, होता भी है। ठीक है, 1876 में एक प्रयोगात्मक पेट्रोल इंजन का निर्माण किया एन ऑटो ने। प्रयोगात्मक इंजन का मतलब एक प्रैक्टिकली इंजन, थोड़ा से उबड़ खाबड़ टाइप का था उसको जो है, आधुनिक नहीं था एक प्रकार से। ये प्रयोगात्मक इसलिए कहा जाता है कि ऐसा इंजन बन सकता है या नहीं, ऐसा ही बनाया एन ऑटो ने। एन ऑटो कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1880 में टायर का आविष्कार किया जॉन वायर डनलप ने। बच्चों पहले भी पढ़ा चुके हैं डनलप कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। 1885 में आधुनिक पेट्रोल इंजन का निर्माण किया गॉटलीब डैमलर ने। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें एक एक लाइन एक एक प्रश्न एक एक लाइन से कई प्रश्न निकल सकते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग ढिलवा ही मत करिएगा। 1885 में आधुनिक पेट्रोल इंजन का निर्माण किया गया, किसने किया? गॉटलीब डैमलर ने, जो कि जर्मनी के थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? मोटर गाड़ियों, छोटे बड़े तेल चालित वाहनों का निर्माण किया गया, और यही से हम लोगों की बाइक, मोटरसाइकिल, ट्रक, जीप, कार और भी मशीनें छोटी छोटी बनने लगी। आप लोग देखते हैं आज के समय में तेल से ही कृषि यंत्र, कृषि उपकरण भी बने, ऐसे ही युद्ध उपकरण भी बने। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन से युद्ध उपकरण बने जो कि तेल से चलने वाले हैं। देखिए 1903 में वायुयान का आविष्कार या विमान का आविष्कार किया राइट बंधुओं ने, जो कि अमेरिका के थे। राइट बंधुओं दो भाई थे बच्चों, याद रखिएगा, राइट बंधु जिन्हें कहा जाता है, हम लोग फार्ट नाम याद कर लेते हैं लेकिन वास्तव में ये दो भाई थे, एक का नाम अर्बिल राइट और दूसरे का नाम बिल्बर राइट, जो कि दोनों अमेरिका के थे। ठीक है बच्चों, ये अमेरिका के थे। और वायुयान के आविष्कार ने युद्ध को त्रिदिशात्मक बनाया। बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण है, युद्ध को त्रिदिशात्मक किसने बनाया? विमानों ने बनाया। अर्थात युद्ध को तीसरी दिशा किसने प्रदान की? यानी जल थल के बाद वायु। अभी तक युद्ध पहले शुरुआत हुआ थल पर, फिर नौकाओं और जो है जहाज़ों और बड़े बड़े जलपोतों, युद्ध पोतों के द्वारा जल में प्रारंभ हुआ, अब हवाई जहाज और लड़ाकू विमानों और के द्वारा जो है वायु में प्रारंभ हो गया। आज की स्थिति देखा जाए तो वायु युद्ध प्रधान ही होता जा रहा है संपूर्ण विश्व, क्योंकि नई नई मिसाइलें बन गई, प्रक्षेपास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, रॉकेट का निर्माण हो गया। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, युद्ध को त्रिदिशात्मक किसने बनाया, यानी तीसरी दिशा किसने प्रदान की, वो है वायुयान या विमान या हवाई जहाज। ठीक है, अब विभिन्न जिसके आधार पर जब वायुयान का आविष्कार हुआ और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों का निर्माण किया गया, और प्रमुख वायुशक्ति विचारक के नाम से माने जाते हैं जनरल डूहेट। बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है, प्रमुख वायुशक्ति विचारक जनरल डूहेट। बच्चों वायुशक्ति में केवल तीन विचारक हैं, जनरल डूहेट, मिचेल सेवेरस्की इटली के डूहेट,
अमेरिका के मिचेल और रूफ के फेवेरफ की, इतना ध्यान दीजिएगा। और सामुद्रिक वक्त का इकलौता विचारक एटी महान अमेरिका के हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ना लिखे हो बच्चों तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। बाकी अन्य के बारे में जो भी प्रश्न आपसे छूटेगा उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध के अवरोध को समाप्त किया टैंकों के निर्माण ने, टैंक तेल से चलने वाले उपकरण हैं, ठीक है बच्चों। अब टैंकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त किसने किया, टैंकों ने। टैंक का निर्माण किसने कराया, विंस्टन चर्चिल ने। आगे पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम लोग चर्चिल की चर्चा करेंगे। इससे कई प्रकार के आक्रामक एवं प्रतिरोधक अस्त्रों का निर्माण हुआ और इसी आधार पर यानी तेल के ही युग में राकेटों एवं प्रक्षेपास्त्रों का भी निर्माण हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको जो है इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी अगला वीडियो हम बनाएंगे तकनीकी विकास का चतुर्थ चरण नाभिकीय परमाणु युग से, इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में बढ़ते। तो बच्चों आराम से पढ़िए लिखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले वीडियो में हम लोग